नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई जानकारी मिलती रहे और अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। तो आज हम देखेंगे एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का चैप्टर 2। इसके पहले हमने देखा था पर्यावरण के बारे में, एनवायरनमेंट क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे जैवमंडल एवं बायोम के बारे में। जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर और बायोम, बायोम बायोम को हिंदी में कहते हैं जैव क्षेत्र। तो आज हम इसी को देखेंगे। तो पहला है जैवमंडल, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैव और मंडल। जैव, जैव का मतलब होता है जीव और मंडल संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है नगर खंड, नगर क्षेत्र या घेरा, है ना। तो जब दोनों को मिला देंगे जैव और मंडल तो क्या हो जाएगा, जीवन का घेरा, मतलब जैव मंडल, जहाँ पर जीवन विद्यमान हो उसी को हम कहते हैं जैव मंडल। तो आइए आज देखते हैं जैव मंडल। पृथ्वी की वह संकरी पट्टी है जिसमें सभी प्रकार का जीवन विद्यमान है, उसे ही हम जैव मंडल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर सब जगह तो जीवन आपको मिलेगा नहीं, लेकिन पृथ्वी पर कुछ एक ऐसी संकरी पट्टी, उसको मान लीजिए समझने के लिए, पृथ्वी पर वह संकरी पट्टी जहाँ पर जीवन विद्यमान है वही कहलाता है जैव मंडल। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वह क्षेत्र है जहाँ जीवन के लिए आवश्यक तीनों चीज़ें उचित मात्रा में मिलती हैं। और ये तीनों क्या है, तो पहला है भूमि जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, दूसरा है वायु जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, और तीसरा है जल जिसे हम जल मंडल कहते हैं। जहाँ पर ये तीनों मिलेंगे, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, जहाँ पर ये तीनों मंडल मिलेंगे वहाँ पर जैव मंडल का स्वरूप देखने को मिलेगा, अर्थात वहाँ पर जीवन विद्यमान होगा। दूसरे शब्दों में जैव मंडल या संकरी पट्टी अर्थात वह क्षेत्र है जहाँ पर स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल मिलते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए समझने के लिए, ये स्थल मंडल का अपना भाग है, वायुमंडल का अपना भाग है, जल मंडल का अपना भाग है, लेकिन जहाँ पर ये तीनों, ये देख लीजिए यहाँ पर ये कट रहा है ना, जहाँ पर ये तीनों मिल रहे हैं इसी को हम जैव मंडल कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए अगर ये दो ना हो, वायुमंडल ना हो, जल मंडल ना हो, तो खाली स्थल मंडल पर कोई जीवन पनप सकता है, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको स्थल मंडल पर रहने के लिए वायुमंडल चाहिए ही चाहिए और जल चाहिए ही चाहिए। अगर जल नहीं है तो भी जीवन संभव नहीं है, वायु नहीं है तो भी जीवन संभव नहीं है, मतलब इन तीनों का होना अनिवार्य है। अगर इन तीनों में से अगर एक भी अगर नहीं रहता है तो जीवन शायद कभी संभव नहीं होगा। तो हमने जाना बायोस्फीयर, जैव मंडल के बारे में कि जैव मंडल क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैव मंडल के अंतर्गत समस्त जीव यानी कि जैविक घटक और भौतिक पर्यावरण यानी अजैविक घटक को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर दो शब्द हैं, जैविक घटक और भौतिक घटक। अगर आप इनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारा जो पिछला वीडियो है पहले चैप्टर का, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जैविक घटक क्या है और अजैविक घटक या भौतिक घटक क्या है। जैव मंडल में जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, बिना सूर्य के जीवन संभव नहीं है। सजीव जीवधारियों के लिए आवश्यक पोषक वायु,
जल और मृदा से ही निर्मित होते हैं और इन्हीं का बार बार पुनर्चक्रण होता रहता है। रूसी जीव विज्ञानी बर्नार्डस्की ने 1919 में सबसे पहले जीव मंडल यानी कि बायोस्फेयर शब्द का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर ये चार्ट है, चार्ट में दिखा रखा है सबसे छोटे बिंदु से लेकर के सबसे बड़े बिंदु को उन्होंने एक चार्ट में दिखाया है। आइए समझते हैं ये चार्ट है क्या चीज। तो देखिए नीचे देखिए, ये जो है ना, ये सबसे लास्ट में ये है वाटर। वाटर का क्या है, ये अणु है, ठीक है ना, ये अणु है, ये परमाणुओं का समूह, और ये है डीएनए। ये वाला क्या है, ये अणु है और ये है डीएनए। तो सबसे छोटा जो होता है परमाणु होता है पदार्थ का। कोई भी अगर, अब जैसे मान लीजिए मनुष्य है, कोई जीव है, तो उसका सबसे छोटा रूप क्या होगा, डीएनए। अगर कोई पदार्थ है तो उसका सबसे छोटा रूप क्या होगा, अणु होगा, ठीक है। परमाणुओं से मिलकर बनता है तो परमाणु होगा, परमाणुओं से मिलकर क्या बनेगा, अणु बनेगा, है ना। तो ये है, ये दिखा रखा है यहाँ पर, मान लीजिए ये पानी का दिखा रखा है H2O, ठीक है ना, H2O, हाइड्रोजन तो है और ऑक्सीजन एक है, और ये डीएनए है किसी जीव का सबसे छोटा रूप, शरीर का सबसे छोटा रूप क्या है, क्या होता है, डीएनए। अब यही डीएनए जब ये सबसे छोटा है, और जब इस डीएनए से मिलके क्या बनती है, कोशिका, सेल, ठीक है, कई डीएनए मिलके बनेगा कोशिका, ये जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना। फिर यही कोशिका, कई कोशिकाएं जब मिलती है तो आपका बनता है तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, ठीक है, कोशिकाओं का समूह है यह। और यही जब कोशिका, जब सब कोशिकाओं का समूह और जब सबको मिला दिया जाता है अलग अलग अंगों को, तो फिर ये क्या, ये क्या बन जाते हैं, कोई एक जीव बन जाता है, ठीक है। कोशिकाओं के समूह से क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं, अंग बनते हैं, फिर यही जब अंगों को मिला दिया जाता है तो एक शरीर का रूप दे दिया जाता है। अब हम लोग क्या है, कई अंगों से मिलके बने हैं, तो ये है जीव, एक जीव बन गया। इसको हम, ये मान लीजिए भैंस हो गया, तो ये क्या है, ये एकाकी सजीव हो गया, ठीक है। अब देखिए कई, अगर यही भैंस है, अगर इन भैंसों को एक ही तरह के जीव का समान क्षेत्र में रहना, ये क्या कहलाएगा, जनसंख्या कहलाएगा, जनसंख्या, भैंसों का ये समूह जो हो गया, ये क्या कहलाएगा, जनसंख्या। फिर ऊपर वाला देखिए, इसमें सांप भी है, बाज भी है, भैंस भी है, कुत्ता भी है, घास है, तो इसको हम समुदाय कहेंगे, मतलब निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का समूह जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे, समुदाय कहेंगे। फिर उसके बाद ऊपर वाला देखिए पिक्चर, इसमें बाज है, सांप है, कुत्ता है, घास है, हवा है, चट्टान है, मैदान है, ठीक है। तो जब समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटकों को भी अगर शामिल कर लिया जाएगा तो उसको हम कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इको सिस्टम। अगर इतना सब कुछ अगर लेके, अभी पारिस्थितिकी तंत्र होगा, पारिस्थितिकी जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र है उन तंत्रों के अगर समूह को अगर शामिल कर लिया जाए तो उसको हम कहेंगे जैवमंडल। ये पूरा, मतलब पूरा जब समेट दिया तो आपने देखा एक छोटे से डीएनए से आपने यहां तक देखा जैवमंडल तक, ठीक है। डीएनए से लेकर मतलब सबसे छोटे से रूप से आपने देखा कि जैवमंडल तक कैसे बना है, ठीक है, समझ में आया। एक बार उल्टा करके देख लेते हैं, ये होता है जैवमंडल, कई पारिस्थितिकी तंत्रों का समूह यानी कि द पार्ट ऑफ अर्थ दैट कंटेन्स ऑल इकोसिस्टम्स, मतलब सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का जो समूह होता है उसको जैवमंडल कहते हैं। अब
दूसरा है समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक, यानी कि कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स जो है, इनको सबको मिला दिया जाएगा। तो ये होता है पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें बाज, सांप, कुत्ता, घास, हवा, चट्टान, मैदान सब कुछ शामिल किया जाता है। उसके बाद है निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का जो समूह है उसको हम समुदाय कहते हैं, ठीक है। तो सांप, बाज, भैंस, कुत्ता, घास। उसके बाद एक ही तरह के जीव का समान क्षेत्र में रहना है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन टाइप दैट लाइव इन द सेम एरिया दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन, इसको हम जनसंख्या कहेंगे। फिर नीचे आइए, ये आपका एकाकी जीव हो गया, जीव है ये, जीव बना है किससे, ऊतकों से मिलकर बना है, कोश अंगों से और तथा क्या कहते हैं अंगों की प्रणाली से, तो ये कोशिकाओं का समूह है। फिर नीचे आएंगे तो कोशिका आपका एक मिलेगा जो सबसे जीवन की छोटी इकाई है, और कोशिका को अगर आप तोड़ देंगे तो सबसे छोटा रूप डीएनए मिलेगा। तो ये है जैवमंडल का एक चार्ट समझने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। वायुमंडल में ऊर्ध्वाकार रूप से लगभग 10 किलोमीटर तक जो संकरी पट्टी विस्तृत है वहां पर हम जैवमंडल को देखते हैं, वहां पर जैवमंडल का विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा समुद्र में जहां लगभग 10.4 किलोमीटर की गहराई तक सॉरी और पृथ्वी की सतह से लगभग 8.2 किलोमीटर की गहराई तक सर्वाधिक जीवित जीव पाए जाते हैं, वहां तक जैवमंडल विस्तृत है। जैवमंडल मतलब क्या, जहां पर जीवन विद्यमान हो, जहां पर जीव कोई भी हो सकता है। जैवमंडल आमतौर पर दो ही रूप में देखे जाते हैं, या तो पादप के रूप में, पौधे के रूप में, या फिर मनुष्य और एनिमल के रूप में, ठीक है। जीवन के कुछ रूप विषम परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। अब कुछ जीव ऐसे भी हैं जो विषम परिस्थितियों में भी रहते हैं, ठीक है ना। अब मनुष्य थोड़ा समझदार है तो अपना अपने हिसाब से रहता है भौतिक सुविधाओं के साथ। नेक्स्ट, शैवाल, एल्गी और एल्गी यानी शैवाल और थर्मोफिलिक, इस प्रकार के जीवन के दो उदाहरण हैं। शैवाल जिसे जीवन के पहले रूप में से एक माना जाता है, यह बर्फीले अंटार्कटिका जैसे प्रतिकूल पर्यावरण में भी जीवित रह सकता है। अभी दिया ना, विषम परिस्थिति, विषम मतलब कि उसके अनुकूल ना हो, है ना। तो ये जो शैवाल है बर्फीले अंटार्कटिका जैसे प्रतिकूल पर्यावरण में भी जीवित रह सकता है। इसके अलावा थर्मोफिलिक, ये क्या है, ये जीवाणु है, ये सामान्यतः गहरे समुद्र में ज्वालामुखी रंध्रों में रहता है जहां तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। थर्मोफिलिक को ऊष्मा पसंद करने वाला जीव कहा जाता है। वास्तव में ये जीवाणु क्वथनांग से कम तापमान पर जीवित नहीं रह सकते, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया सॉरी। जब जीवन शुरू हुआ तब स्थिति ऐसी नहीं थी। लगभग 7 अरब वर्ष पहले यह समझा जाता था कि पृथ्वी केवल एक संकरी विच्छिन्न भूमि है जो महासागरों के उथले भागों को घेरे हुए है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्षैतिज रूप से जैव मंडल पूरे ग्लोब को घेरे हुए हैं, क्षैतिज रूप से
क्षैतिज रूप से जैव मंडल पूरे ग्लोब को घेरे हुए हैं। क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। हालांकि सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडे क्षेत्रों में जीवन संभव नहीं हो सकता है। अधिकतर जीवन एक संकरी पट्टी तक ही सीमित है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को ग्रहण करती है, जो कई प्रकार के जैव जीवन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, धरती के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, आप वहीं रहेंगे जहां आपको कठिनाई न हो, जो आपके लिए अनुकूल हो, जो क्षेत्र आपके लिए अनुकूल हो, आप वहीं रहेंगे। आप ऐसी जगह पर क्यों जाएंगे जहां आप रह नहीं सकते, सांस लेने में तकलीफ हो, समझ रहे ना? तो कुल मिला के एक संकरी पट्टी यहाँ पर बोला गया, इसलिए गया है कि उस पट्टी पर ही जीवन संभव है। बाकी उस पट्टी से नीचे उतर जाएंगे तो आपको वहाँ पर आप रह नहीं पाएंगे, आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कुल मिला के ये है। यह संकरा क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 180 से 200 फीट नीचे उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पर्वत श्रृंखलाओं में हिम रेखा के सबसे ऊपरी भाग तक विस्तृत है। यानी समुद्र तल से 6,550 मीटर ऊपर हिम रेखा के सबसे ऊपरी भाग तक विस्तृत है, जहां पर जीवन लगभग संभव है। वहां पर विषम परिस्थिति कह सकते हैं उसको, लेकिन वहां पर जीवन लगभग संभव है। अब जीवन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? खाली हम ही लोग थोड़ी ना हैं अपने लिए कहेंगे कि जीवन नहीं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, है ना? आपने उसमें कश्मीर में देखा होगा कि वहां पर जो कश्मीर में या फिर अंटार्कटिका में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो भालू वहाँ के होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं उनके, तो वहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो शायद जिंदा नहीं बच पाएंगे, हमारी शरीर पकड़ जाएगी, क्योंकि हम उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं जैव मंडल की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ बायोस्फीयर, जैव मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। धरती पर जल एवं जीवों के उद्भव से पूर्व यह चट्टानी ग्लोब के समान होती थी। मतलब धरती पर जब जीवन नहीं हुआ था, जीवन तो छोड़िए जल और जीव, जल भी नहीं था, तब इस धरती को एक चट्टानी ग्लोब के रूप में जानते थे, अध्ययन किया गया है, जानते नहीं तो उस समय तो कोई होगा ही नहीं, जीवन था ही नहीं, तो उस समय एक चट्टानी ग्लोब के रूप में मान लिया गया कि चट्टानी ग्लोब के रूप में हुआ होगा। इस पर धीरे धीरे छिछले सागर और पतली गैसें जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा जल वाष्प विस्तृत होती गई। पृथ्वी उस समय अधिक उष्ण एवं उजाड़ ग्रह हुआ करती थी, जिसे भूमंडल यानी जियोस्फीयर नाम दे दिया गया उस समय का। तब भूमंडल यानी जियोस्फीयर के अंतर्गत अर्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर तथा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के भाग सम्मिलित हुए। धीरे 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 ये क्रम में आए धरती पर। करोड़ों वर्षों में सूर्य के प्रकाश, जलवाष्प, पानी और ताप की निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया से सागर जल में विभिन्न जटिल क्रियाओं द्वारा अंततः जीवन शुरू हुआ। सबसे पहले समुद्र में ही जीव पाया गया था, ठीक है, समुद्र में जीव ने जन्म लिया, उसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ और हम लोग इस धरती पर आए। यह जीवन आकार विहीन और
जेली के समान धब्बे अमीबा के रूप में था, जो समुद्र में हुआ था जीवन वो कैसा था, जेली के समान धब्बे के रूप में यानी अमीबा के रूप में था। इस प्रारंभिक जीवन ने पर्यावरण से शक्ति ग्रहण कर अपने प्रकार के जीवों को जन्म देना आरंभ कर दिया। कुछ करोड़ वर्षों में अनेक प्रकार के प्राणी एवं वनस्पति के रूप में जीवन विकसित हुए और बहुगुणित होते गए। भूमंडल की ऊपरी परत में जीवों के उत्पन्न एवं विकसित होने से ही इसे जैव मंडल यानी बायोस्फीयर अथवा जीवन का मंडल कहा गया, यानी उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, जोन ऑफ लाइफ। यानी कुल मिलाकर हम जैव मंडल को कह सकते हैं, एक परिभाषित डिफाइन कर सकते हैं कि पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जैव मंडल की रचना करते हैं। जैव मंडल के अंतर्गत समस्त जीव यानी कि जैविक घटक तथा भौतिक पर्यावरण यानी अजैविक घटक को सम्मिलित किया जाता है। जैव मंडल कहा जाने वाला भाग स्थल जल तथा वायुमंडल का एक मिलन स्थल होता है, जहाँ पर अभी दिखाया था आपको, जहाँ पर क्रॉस करते तीनों मिलते हैं। इसके भीतर अनेक छोटे बड़े पारितंत्र कार्य करते हैं। यह पृथ्वी का वह भाग होता है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी पर जैव जगत के प्रमुख अंग के रूप में दो भाग पाए जाते हैं, ये तो हमने बताई दिया आपको। एक तो होता है पादप के रूप में यानी वनस्पति वेजिटेशन, और दूसरा होता है पशु और वन्य जीव, जिसमें पशु वन्य जीव मनुष्य मतलब हम लोग भी उसमें आ जाएंगे, है ना, लाइविंग, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। पृथ्वी पर सभी भागों में किसी न किसी प्रकार की वनस्पति अवश्य पाई जाती है, चाहे वह झाड़ियाँ हो या घास के रूप में हो अथवा सघन वनों के रूप में। ये सब क्या है, पर्यावरण का बहुत बड़े भाग हैं जो संतुलित करके रखते हैं। इनसे जीवन, इनसे हम लोगों को जीवन मिलता है ऑक्सीजन के रूप में, सांस के रूप में। जलवायु और मिट्टी के अंतर संबंध से ही वनस्पतियां उगती हैं। वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले मुख्य घटक क्या क्या हैं, तापमान है, जलपूर्ति है, प्रकाश है, पवन है और मिट्टी है। तो एक एक को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आज ये था जैव मंडल का चैप्टर। जैव मंडल में हमने जाना कि जैव मंडल क्या है, ठीक है। अगला होगा बायोम के बारे में जानेंगे कि बायोम किसे कहते हैं, जैव क्षेत्र क्या है। हम बता देते हैं आपको आज, जैव मंडल जो है ना, जैव मंडल ये बहुत बड़ा होता है। अभी हमने चार्ट में देखा, सबको मिला दिया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, जैव मंडल कहेंगे, ठीक है। और बायोम अलग है, बायोम और बायोस्फीयर ये दोनों अलग अलग घटक हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, अलग अलग घटक हैं। पृथ्वी पर सभी बायोम सामूहिक रूप से जीव मंडल बनाते हैं, मतलब कई बायोम अगर मिलेंगे तब जाके जैव मंडल बनेगा, समझ रहे ना। इसको बायोम को डिटेल में देखेंगे क्या क्या है बायोम।